गुनाह माफ कर दे, मेरी गलतियां बख्श दे, मुझे कब्र से बचा ले, मुझे अजाब से बचा ले। दुआए कुमैल में बंदा मिन्नतें कर रहा है, हदीसे के सामने अल्लाह वादा कर रहा है, जो आ गया वो बच भी गया है, रहमत भी ले गया है, मगफरत भी पा गया। वहां मिन्नतें, यहां वादा। और ये बात याद रखिएगा मेरी कौम का नौजवान, हदीस से किस्सा किस्सा नहीं, कहानी नहीं, हदीस से किस्सा 14 के राजों में से एक राज है, जिसे मासूमीन ने इतना पढ़ने के लिए हुक्म दिया। बे औलाद हो पढ़ो, साहिब औलाद हो जाओगे, बेरोजगार हो पढ़ो, इज्जत वाला रोजगार मिलेगा, बीमार हो पढ़ो, शिफा मिल जाएगी। हर चीज का हल हदीस से किस्सा में क्यों रखा? इसका मतलब ये किस्सा या कहानी नहीं, ये 14 के राजों में से एक राज है। हमेशा मैंने कोशिश की है मिंबर आले मोहम्मद पे मुश्किल मौजूआत को निभाने की, और ये सब कुछ आपके ताबून के साथ ही मुकम्मल होता है। मैं मुश्किल तरीन मौजू पढ़ने लगा हूं, हदीस से किसा के राज। थोड़ी जहमतें आप कब माएंगे, थोड़ी समाज, बेशक दाद ना दीजिएगा, इतना मतवजह रहिएगा जो पहुंचाऊं उसे वसूल जरूर की। हदीस से किसा है 14 के राजों में से एक राज। हदीस की किस्सा की सबसे अहम फजीलत देखे, इसे उस सहाबी ने रवायत किया है जिसने 5 इमामों की खिदमत की है। जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी वो सहाबी है जिसने पहले मोहम्मद का सलाम 5वें मोहम्मद को पहुंचाया। नबी ने जाबर से कहा था कि मिंबर पे जब मेरे औलाद में से एक बेटा देखे जिसका नाम मेरे नाम जैसा, उसे मेरा सलाम किया। इसने 5वें इमाम को पहले मासूम का सलाम दिया है, यानी कि रावी बड़ा बेहतरीन है। और वैसे भी मजहब अहले बैत में झूठा रावी नहीं होता, हम बड़े मजबूत दलाइल वाले लोग हैं। हम मासूम की रवायत भी किसी सहाबी से लें तो हम इल्म रजाल में जाके उस सहाबी का शजरा देखते हैं, किसका बेटा है, किस कबीले से है, कितनी रवायात इसने मरवी है, इससे कितना सच्चा था। इतने हम हसास हैं मजहब के मामले में। जाबर ने रवायत की और क्या कहा कि मैंने शहजादी से सुना कि बीबी कहती हैं कि एक दिन नबी मेरे घर आए। मैं हदीसे की साहब पढ़ने लगा, हल्का सा भी तर्जमे में हेर फेर हो तो उठ के टोक देना। नबी ने मेरे घर में आके कहा काला इनी आज तो फिर बदली सोफ। नबी ने आके कहा फातिमा मैं जोफ महसूस कर रहा हूं। अब यहां पे कोई बंदा ये तर्जमा ना करे कि नबी ने माजल्ला सुम्मा माजल्ला ये कहा कि जहरा मैं बीमारी की वजह से कमजोरी महसूस कर रहा हूं, बढ़ापे की वजह से कमजोरी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मजहब आले मोहम्मद में नबी बीमार नहीं होता। मैं एक एक लफ्ज दलील के साथ कहूं, मजहब अहले बैत में नबी बीमार नहीं होता, मजहब अहले बैत में नबी के सीने का ऑपरेशन नहीं होता, मजहब अहले बैत में नबी को बुखार में हजियान नहीं होता। क्योंकि बीमारी क्या होती है? बीमारी होती है जिस्म में एतदाल ना रहना, तवाजन का कायम ना रहना, किसी चीज का बढ़ जाना, किसी का कम हो जाना, इसे बीमारी कहते हैं। जिसका जिस्म पे कंट्रोल ना हो वो कायनात पे कंट्रोल नहीं रख सकता। दलील अच्छी लगे तो बोलते जाइएगा। दूसरी दलील, बीमारी नक्स है, मासूम में होता नहीं, मासूम कामल होता है, मासूम में नक्स आ नहीं सकता। अब जो नबी ने जुमला आके कहा, अगर जुमला आपके कलूब को छुए और दिलों में घर कर जाए, फिर बेशक जुबान से इतना बोल दीजिएगा कि मुझे यकीन हो जाए ये लफ्ज आपके सीने में उतर गया है। नबी ने आगे ये नहीं कहा कि जहरा मैं बीमारी की वजह से कमजोरी महसूस कर रहा हूं, नबी ने कहा जहरा नबुव्वत कमजोरी महसूस कर रही। नबुव्वत कमजोरी महसूस कर रही, और फिर इलाज भी खुद बताया, इतीन बिल किसाइल यमान। नबुव्वत कमजोरी महसूस कर रही है, मुझे अपनी चादर दे। रोजाना पढ़ते हो तुम हदीसे की साहब, लाखों दफा सुनी है तुमने हदीसे की साहब, मैं तो सिर्फ राज पढ़ने लगा हूं। मुझे अपनी चादर उड़ा, निम्बरे आले मोहम्मद पे दलील देने लगा। मैं, मेरे पास ये अपना जाती रुमाल, मैं इसे पसीना साफ करके इसे जेब में रखू, जेब में रखे को भाईजान मुझे अपना रुमाल दीजिएगा।
आप पूछेंगे नहीं, सोचेंगे जरूर कि जब इसके पास अपना था, मर्जी है आपकी, थका हुआ मैं परेशान आप हो गए, जब इसके पास अपना था इसने मांगा क्यों? नबी के जिस्म पे थी दो चादरें, एक अबा की सूरत में, एक अमामे की सूरत में। जो बंदा अभी भी चुप है, कमली वाला कह रहा है कि जहरा मुझे चादर दे, जिसके बदन पे दो चादरें थी उसने जहरा से चादर मांगी क्यों? फरमाया जहरा मुझे अपनी चादर उड़ा ले। बीवी ने चादर तो हीर का पल्लू उठाया, पूरी नबूवत को चादर के नीचे लिया। नबी ने कहा अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ, अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ। जिसकी चादर नबूवत को शिफा दे दे उसे शरीयत में जहरा कह दे। जहरा मुझे अपनी चादर ओढ़ा। बीबी ने अपनी चादर नबी को दी, नबी आ गए चादर के नीचे। ऐसा ही हदीस एक गलत तो नहीं पढ़ रहा, नबी आए चादर के नीचे। थोड़ी देर बाद एक शहजादा सहने इस्मत में आया, सहने इस्मत में आते ही उसने सूंघा, काला इन्नी अशम्मु इंदक राहतन तैयबा कअन्नह राहत जद्दी रसूल अल्लाह, अम्मा कहीं से नाने की खुशबू आ रही है। नबुव्वत जब भी पहचानी जाए खुशबू से पहचानी जाती। आप चुप हो गए, यही वजह थी हिजरत की रात बिस्तर पे अली सुलाया। क्योंकि नबुव्वत और इमामत के बदन से वही खुशबू है, इनकी खुशबू एक होती है, इसलिए बिस्तर पे अली सुलाया। वरना काफर खुशबू को सूंघते हुए नबी के पीछे चले जाते, उन्हें समझ ही नहीं आई कि खुशबू उधर से आ रही है या इधर से आ रही है। नबुव्वत और इमामत की खुशबू एक है। फरमाए अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। बीबी ने कहा वो चादर के नीचे है नाना। ऐसा ही है, बीबी ने बताया, इमाम हसन ने पूछा कि नाना कहाँ है, मुझे खुशबू आ रही है। अगर मेरा पढ़ा लिखा मजमा मेरा साथ दे तो ये वही हसन है जो माँ की गोद में बैठ के लोहे महफूज पढ़ता है। रसूल मस्जिद से घर आते, बीबी वही की बातें बताती। रसूल फरमाते जहरा मुझसे पहले घर आता कोई नहीं, ये तुझे कौन बताता है कि ये वही आई है? फरमाया अभी वही आती नहीं, ये मेरी गोद में बैठा हसन मुझे वहां से पढ़ के सुनाता है। जो वहां पढ़ सकता था मैंने वादा किया मैं राज पढ़ना, वो पूछ रहा है कि अम्मा नाना कहाँ है। बीबी ने इशारा किया वो चादर के नीचे है नाना। इमाम हसन चादर के करीब गए, सलाम किया, चादर के नीचे सलाम का जवाब आया। फरमाया इजाजत है इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? बीबी ने चादर का पल्लू उठाया, हसन चादर के नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा शहजादा आया, सवाल फिर वही दोहराया गया, अम्मा नाना की खुशबू आ रही है। फरमाए सिर्फ नाना ही नहीं, भाई भी चादर के नीचे। हुसैन आए सलाम किया, चादर के नीचे से सलाम का जवाब आया, इजाजत है नाना मैं चादर के नीचे आ जाऊं? चादर का पल्लू उठा, हुसैन आ गए चादर के नीचे। थोड़ी देर बाद खुद अमीरुल मोमिनीन आ गए। फरमाया सैयदा मुझे अपने इब्ने अम की खुशबू आ रही है। फरमाया या अली सिर्फ अकेले नबी नहीं, आपके दो बेटे भी चादर के नीचे हैं। अली आए चादर के करीब, अली ने किया सलाम, सलाम का जवाब आया, अली भी चादर के नीचे आ गए। अब ये चादर के नीचे हैं, एक पहले से मौजूद, तीन और चादर के नीचे। सैयदा है चादर से बाहर, ये मेरे बदे हाथ हैं,
میں نے پڑھی حدیث کساب کے سامنے. اب مجھے بول کے بتانا, امام حسن آئے پوچھا منانا کہاں ہے, بی بی نے بتایا وہاں ہے, حسین آئے پوچھا منانا کہاں ہے, بی بی نے بتایا وہاں ہے, علی آئے پوچھا زہرا رسول کہاں ہے, فرمایا وہاں ہے. یہ تینوں جو آئے تھے یہ تینوں امام ہیں, یہ تینوں امام ہیں. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو, امام کہتے ہیں ہادی کو, امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو. جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں, جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے سہارا کہتے ہیں. جو تین اماموں, ابھی میں چادر کا راز پڑھ رہا ہوں, تین اماموں کو رسالت تک پہنچائے اسے سیدا کہتے ہیں. اب مجھے بول کے میرا مجمع جج بن جائے, منصف بن جائے, انصاف کرے, عدل کا ترازو ہاتھ میں رکھے. حسین نے آ کے پوچھا اجازت ہے میں آؤں, اجازت ملی تو حسین چادر کے نیچے گئے. مرضی کے مولوی کے سر پہ کنار رکھ کے پوچھ رہے, یہ وہی حسین نہیں ہے جب نبی سجدے میں تھا, یہ حسین پشت پہ آگے بیٹھا تھا, اس نے نماز میں آتے ہوئے اجازت نہیں مانگی کہ اجازت ہے میں تیری پشت پہ آ جاؤں, وہاں بغیر اجازت کے گیا ہے, یہاں اجازت مانگ کے کیوں آیا ہے؟ جواب ایک ہی ہے, وہ اللہ کی نماز تھی, یہ اللہ کا حجاب. حجاب توحید میں یہ حجاب توحید. چادر کے نیچے چار, سیدہ چادر سے باہر. ابھی تک فرشتوں نے نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے. نبی چادر کے نیچے آئے, نہیں پوچھا فرشتوں, جو میری طرف کیجئے گا. نبی چادر کے نیچے, بس بسم اللہ رکھ دیجئے گا. نبی چادر کے نیچے آئے, فرشتوں نے نہیں پوچھا کون ہے, توجہ میری طرف. امام حسن چادر کے نیچے آئے, فرشتوں نے نہیں پوچھا یہ کون, کریم کربلا چادر کے نیچے آئے, فرشتوں نے نہیں پوچھا یہ کون, علی چادر کے نیچے آئے, فرشتوں نے نہیں پوچھا یہ کون. جب سیدہ چادر کے نیچے آئیں, فلم اکتملنا جمیعن تحت القصا, جب یہ سارے چادر کے نیچے آ گئے, اب فرشتوں نے پوچھا ومن تحت القصا, یہ کون ہے. اب یہ فرشتوں کا پوچھنا فرشتوں کی کم علمی نہیں, فرشتے معصوم ہیں, عصمت میں جہل نہیں ہوتا, جہالت نہیں ہوتی. اب یہ جو فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے, یہ جو کون کہا گیا, یہ سوال پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ دوسری دفعہ ہوا, پہلا ہو چکا ہے. اب فرشتوں نے اسے دہرایا ہے, پہلے کب ہوا تھا, جب خلقت آدم ہوئی, آدم کی خلافت کا اعلان ہوا, خدا نے کہا میں بنانے لگا ہوں خلیفہ, فرشتوں نے کہا کس نے, فرمایا اسے, فرشتوں نے اسے نہ بنانا, یہ فساد کرے گا, خون بہائے گا, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. خدا نے کہا خلیفہ بننا چاہتے ہو, ہاں خلیفہ بننا چاہتے ہو, خدا نے کہا خلیفہ بننے کا شوق ہے, بنو گے خلیفہ میرے, اترو گے زمین پہ, ہاں اترے گے تیرے خلیفہ بن گئے. خدا کا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں خلیفہ, پہلے بتاؤ یہ کون ہے جسے تقریر یاد ہے ومن تحت القصا, یہ کون ہے. خدا نے کہا ٹھیک ہے میں خلافت دے دیتا ہوں, مجھے صرف اتنا بتاؤ یہ کون ہے. فرشتہ نے سبحانک علما علم علم تر انک انت العلیم الحکیم, قرآن کہتا فرشتہ دیکھ رہے پاک ہے تیری شان, نہ تو نے کبھی بتائے, نہ ہم نے کبھی پوچھے, نہ تو نے کبھی سنائے, نہ ہم نے کبھی سنے. آواز ایشا آدم امبیا ہم تو اسماعیل, آدم اب تو پڑھ کے بتائے نام کن کے ہیں. آدم کا تو محمود ہے, یہ محمد ہے, تو اعلیٰ ہے, یہ علی ہے, تو محسن ہے, یہ حسن ہے, تو کلیم الحسان ہے, یہ حسین ہے. مجھے پچتن کی قسم, ادھر اس میں زہرا آیا, آدم جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھکا, اور جھک کے کہتا یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے. ادھر آدم نے سر جھکایا, اب آواز آئی میرے فرشتوں آپ اسے سجدہ کرو, آپ سجدہ کرو, کیونکہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں خلافت سجدے کرنے سے نہیں ملتی, زہرا کی عزت کرنے سے ملتی. Allah 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 Allah
समझा सका तो। खुदा ने कहा मेरी खिलाफत का मियार सजदे नहीं। अगर मेरी खिलाफत का मियार सजदे होते तो मैं मलाइका को खिलाफत दे देता। खिलाफत सजदों से नहीं, मारफत जहरा से मिलती। वहां खुदा ने पूछा था ये कौन है, अब यही सवाल फरिश्तों ने दोहराया। उन्होंने कहा अब तू बता ये कौन है। खुदा ने जहरा का नाम इसलिए लिया था कि अर्श पे ये खानदान पहचाना ही जहरा के नाम से था। ये फातिमा है। अब ये पंचतन आगे चादर के नीचे, हदीसे की सागर रास पढ़ रहा हूं सर। पंचतन चादर के नीचे आए। जब ये चादर के नीचे आए फलम मख्तमल्ला जमीन तहतल किसा अखज़ बि रसूलल्लाह बितरफिल किसा व औम बियद अल यमना अला समा काला। नबी ने हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन हाउला अहले बैत, मेरे अल्लाह ये है मेरी अहले बैत। वह खास साथी ये है मेरे खास, इनका खून मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। दो इधर दो इधर, नबुव्वत ने चारों को यूं लपेटा। फरमाया ये मेरे हैं, ये मेरी अहले बैत हैं। आवाज से क्या कहा तूने, ये तेरे हैं, ये तेरे हैं। हाँ मेरे मालिक ये मेरे हैं, मेरा गोश्त है, मेरा खून है। आवाज खुदा मेरा हबीब याद रखना, इन्नी खलक्तु समान मबनिया वला अर्ज़ मदिया वला कमनन मरीरा वला शमसन मजिया वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी। याद रखना अगर ये ना होते ना जमी होती ना आसमां होता। तू कह रहा तेरे, इनकी वजह से तो मैंने ये सब कुछ बचा है। ये जो जमीन कायम है ना इनकी वजह से, ये जो सूरज चमकता है ना इनसे पूछ के, ये जो चांद में नूर है ना इनकी वजह से, ये जो हवाएं चल रही हैं ना इनकी वजह से, ये जो दरिया चल रहे हैं ना इनकी वजह से, ये सब कुछ इनकी वजह से। मैं सिर्फ इनका अल्लाह हूं। मैं सिर्फ इनका अल्लाह, बाकी कायनात में जो जो है वो इनकी वजह से है। तू कह रहा तेरे हैं, इनकी वजह से तो मैंने सब कुछ बनाया है। खिलकत कायनात ही इनकी वजह से है। नबी ने कहा अच्छा, फिर ये तेरे भी हुए मेरे भी हुए। दुआ मैं करता हूं, वादा तू करना। आवाज आई तू दुआ कर मैं वादा करूंगा। नबी ने हाथ रखा अल्लाह फिर वादा कर तू उससे मोहब्बत करेगा तो इनसे मोहब्बत करेगा, उससे दुश्मनी करेगा तो इनसे दुश्मनी करेगा। खुदा ने कहा मेरा वादा हो गया, मेरी मोहब्बत इनकी वजह से, मेरी नफरत इनकी वजह से। अब पता चला रजी अल्लाह सजदे करने से नहीं होता, बतूल को राजी करने से। मियारे रजाए परवरदिगार ज़हरा, तीन मार्च इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तीन मार्च संजोवाल ठीक दो बजे पूरे इंशाल्लाह वादे के मुताबिक दो से तीन आपके सामने हाजिरी होगी। ये है मेरे, जब आवाज आई ये मेरे हैं, खुदा ने कहा इनकी वजह से तो सब कुछ बनाया। नबी का उन उनसे दोस्ती करना जो इनसे दोस्ती करे, हर उससे दुश्मनी करना जो इससे दुश्मनी करे। आवाज कुदरत दो, अगर तू उनकी मोहब्बत का मियार देख रहा तो मैं अल्लाह वादा करता हूं इनसे दोस्ती की बात कर रहा है, इनसे मोहब्बत की बात कर रहा है। जहां बैठ के इनके शिया सिर्फ ये हदीस पढ़ेंगे, अल्लाह वादा करता है वो पढ़ते रहेंगे, फरिश्ते तवाफ करते रहेंगे। फरिश्ते हर उसकी इज्जत करेंगे जो जहरा की इज्जत करेंगे। बस यही तो दुख हमें रुला गया,
जिसकी इतनी इज्जत थी। सरदार की बेटी नौकर के दरबार में 4 घंटे चुप करके खड़ी। सैयदादे का हुक्म था, बादशाह हुसैन आपकी मेहनत कबूल करे, मादरे हुसैन आपसे राजी होके जाए। आज आपके घर शाम की मलका मेहमान है। आज अली की तीनों बेटियां तुम्हारी मेहमान बन के आई हैं। आज है उनकी मां का पुरसा। जितने सैयद बैठे हो, औलादे जहरा बैठे हो, नौकर समझ के, कनीस का बेटा समझ के ये पुरसा कबूल कर लेना। मिन्नत करूंगा मेरी कौम का नौजवान, जितना हो सके जहरा का दुख जमाने तक पहुंचाओ। भाई समझो, बेटा समझो, मैं मिन्नत करूंगा जिंदगी में कभी बतूल को तन्हा ना छोड़। ये साल गुजर गया, अगला साल 3 जमादियुसानी आए। अपने घरों में मजलिस रखो, इमाम बारगाहों में जाओ, ऑफिस जाते हो छुट्टी ले लेना, स्कूल जाते हो छुट्टी कर लेना, दुकानदारी करते हो बंद कर देना। 3 जमादियुसानी कोई काम ना करना। अगले दिन तुम अपने अपने मामूलात में जाओगे, लोग पूछेंगे कल क्यों नहीं आया, फिर रो के कहना कल कत्ल हुई थी मोहम्मद की बेटी। मिन्नत है मेरी, लोगों को नहीं पता था 10 मुहर्रम को क्या हुआ। लोग कब्रों पे मट्टी डालते थे, लोग खीरे बनाते थे, रोजे रखते थे। ये तुमने मातम कर करके जमाने को बताया है कि कत्ल हुआ है आज मोहम्मद का बेटा। ऐसे ही 3 जमादियुसानी मनाओ। पहला दौर चला गया, तब हम थोड़े होते थे, अब एक एक इमाम बारगाह में हम दिन में थक जाते हैं। मिन्नतें करते हैं मोमिनीन की, कई इतनी जगहों पे हम नहीं जा सकते, 5-5, 6-6 जगहों पे जहां जाते हजारों के मजमे। आज तुम ज्यादा हो, अब तुम पे वाजिब है कि जहरा का कत्ल जमाने को सुनाओ। जिंदगी उतनी है जितनी सैयदा ने दी हुई है। डरना ना माशरे से, क्योंकि जो बंदा नया शिया होता है वो खैबर पढ़ के नहीं होता। मुझे हुसैन की सर के मेरी रिसर्च है, हर नया शिया होने वाला बंदा उसके सर पे कुरान रख के पूछो क्यों शिया हुआ, वो कहता कर गया मुझे जहरा का दरबार में जाना। मैंने सैकड़ों लोगों को अली उन वलीउल्लाह इस बात पे पढ़ाया, वो कहते हर चीज बर्दाश्त है, नहीं बर्दाश्त होता हमसे मोहम्मद की बेटी का यूं दरबार मिले। 3 जमादियुसानी को 10 मुहर्रम से ज्यादा मनाया करो। 3 जमादियुसानी को काले कपड़े पहनो। 3 जमादियुसानी को घरों में मातम करो। तुम मजलिस नहीं करवा सकते, घर के एक कमरे में बहने बेटियां लेके बैठ जाना। शाम के वक्त जंतुल बकी की तरफ बेटियों को कहना मुंह करो, अपने सर से चादरें उतार के बोलो मोहम्मद की बेटी तेरा आधी रात को जनाजा उठने का बड़ा अरमान है। मैं जनाबे सैयदा से ताकत भी मांग रहा हूँ, हिम्मत भी मांग रहा हूँ, मेरी बीवी मुझे ताकत दे दे, मैं 4 जुमले तेरी मुसीबत के इस कौम को सुना सकूं। 3 जमादियुसानी 10 मुहर्रम से ज्यादा दुख है, 10 मुहर्रम से ज्यादा मातम है 3 जमात का। मुझसे दलील मांगो, मैं दलील दूं, अगर कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। 10 मुहर्रम को इन्होंने माओं के सामने बेटों को मारा है, 3 जमादियुसानी इन्होंने बेटों के सामने मां को मारा है। बेटे देख रहे थे, जख्मी हो गए। या जहरा अदरकनी फी सबीलिल्लाह, या सैयद अदरकनी बहक्यबल फजलिल अब्बास। और मैं मिंबर पे कह रहा हूं, शहादत जहरा न पढ़ी गई ना कोई पढ़ सकता है। जिसे आती है वो पर्दे में, उसका लहू नहीं रुक रहा, उससे पता है कि कितनी जख्मी थी मेरी मां। बीस साल 15 साल पीछे चले जाए, हमारे उलमा मजबूरी थी, छुप छुप के हम अपना मजहब मनवा रहे थे, एक एक जुमले में बीबी की शहादत पढ़ते थे, खुल के बीबी के दर्द नहीं पढ़ते थे।
शीयत फैली नहीं थी। मैं जनाबे सैयदा से माफी मांग के, जितने सदात बैठे तुमसे माफी मांग के बीबी के वो दुख पड़ने लगा हूं जो शायद तुम्हारे कानों तक ना पहुंचे हो, शायद तुम तक अभी बीबी के वो मुसाइब ना पहुंचे हो। मुझे सरकारे अबल फजल अब्बास की जलालत की कसम है, मुझे अली की गुर्बत की कसम है, मुझे हुसैन के आखिरी सजदे की कसम है। इतनी बड़ी कसमें दे के अब मैं मिंबर पे रवायत पढ़ने लगा हूँ, किसी सैयद का दिल तो खुजाए मुझे जुमला माफ कर देना। तुम्हें सिर्फ जाकरी ने यह सुनाया है कि दरबार से आई सर के बाल सफेद थे, कमर बीबी की छुपी हुई थी, मुझे बीबी की गुर्बत की कसम है। सहरा जब अपने घर में आई बीबी की कमर झुकी थी, सर के बाल सफेद थे, बीबी का दाया हाथ कान पे था, बीबी ने अपना हाथ कान पे रखा था। अब बर्दाश्त कर लिया जुमला सुन लेना। शाम की मलका रोई, रो के कहती अम्मा तेरा हाथ कान पे क्यों है। सहरा ने हाथ उठाया, खून के कतरे जमीन पे आए, ज़ैनब गिर गई, रो के कहती है अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा। बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना बीबी के दुख है। अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा। आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन अल अमीनी ने किताब लिखी है, किताब का नाम है फातिमा से फातिमा तक। उस किताब का पहला जुमला मरने के लिए है, उसे का इतनी जख्मी थी हुसैन की मां जितनी शामे गरीबा हुसैन की सकीना जख्मी थी। वो भी पहलू पे हाथ, उसका चेहरे पे हाथ, उसे भी बाबे के बाद मारा गया, इसे भी बाबे के बाद मारा गया। बर्दाश्त करोगे तो मैं दो दुख पढ़ू। बुजुर्ग ने इशारा किया, मैं डर रहा था रवायतें पढ़ते हुए, उन्होंने इशारा किया जब सकीना को मारा गया उस वक्त तो हुसैन नहीं था, जब जहरा को मारा गया तब तो अली था। अब आपने इशारा किया, बर्दाश्त करना। मुझे ज़ैनब की चादर की कसम है, जब दरवाजे के नीचे गिरी हुई थी जहरा, बीबी का पहलू की पसलियां शहीद हो गई, बीबी का या अली, अली को आवाज दी, अली के गले में रस्सी ऐसे खींच के ला रहे थे जैसे किसी लावारिस कैदी को लाया। मुसलमान कत्ल करने आए थे अली को, जख्मी हो गई मोहम्मद की बेटी। ना मैं पढ़ सकूंगा ना तुम सुन सकोगे, जो काम मेरी बर्दाश्त में नहीं तुम्हारी बर्दाश्त में नहीं। ना मैं दरबार पढ़ता हूं, ना मैं दरवाजा पढ़ता हूं, ना मैं ये पढ़ूंगा कि मुसलमान कैसे अंदर गए, ना मैं ये पढ़ूंगा पहलू जख्मी कैसे हुआ। मेरी आंखों के सामने हर रवायत है, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मुझे बीबी की कसम ना मैं पढ़ सकूंगा ना तुम बर्दाश्त कर सकोगे। मैं दो इशारे कर देता हूं, इशारे समझ लेना, सिर्फ इशारे समझ लेना। मैंने वादा किया मैं दो चार नई रवायतें आपके सामने पढ़ूं, इस बीबी के दुख पढ़ूं। जाकर तुम्हें सुनाते हैं कि बीबी का सिर्फ दरवाजा जला, यही कहा जाता है सिर्फ दरवाजा जला। ये मिंबर के खिलाफ पे मेरा हाथ है, मुझे गाजी के बाजुओं की कसम, मैं बार बार कसमें दे रहा हूं तुम्हारे यकीन के लिए, सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया। इन्होंने मोहम्मद की बेटी की दीवारें गिराई, ये बेल चले के छत पे चले गए, इन्होंने सहरा की छत गिरा दी। जख्मी सहरा अपनी चादर में कभी ज़ैनब छुपा रही थी, कभी कलसूम छुपा रही थी, रो रो के कह रही ज़ैनब जैसे आज मैंने तुझे बचाया, शामे गरीबा जब खेमों को आग लग जाए ज़ैनब मेरा सजाद बचा लेना, ज़ैनब मेरी नस्ल बचा लेना।
جمادی الثانی کے بعد کے دکھ سناؤں تمہیں. شیعہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ تین جمادی الثانی تک علی غریب رہا. تدفین زہرا کر کے جناب سیدہ کو دفنا کے. چلو میں جملہ بدل دوں, زہرا کو چھپا کے. جب علی بیٹوں کو لے کے گھر آ رہے نا آدھی رات کو, کتاب کے جملے آدھی رات تھی, علی بیٹوں کو لے کے گھر آ رہے تھے, نہ حسن چپ ہو رہا تھا نہ حسین چپ ہو رہا تھا. علی کبھی حسن کو ساتھ لگاتے کبھی حسین کو ساتھ لگاتے. میری بیوی مجھے طاقت دے دینا. ایک گلی کا موڑ آیا, حسن نے بابے کی ابا پہ ہاتھ رکھا, فرمایا بابا چل واپس چلے, بابا ہم نے اس گلی سے نہیں گزرنا, بابا ہم نے اس اور سے نہیں گزرنا. علی کی آواز آئی, حسن یہاں سے کیوں نہیں گزر رہا, سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا, ماتمی کلیجہ برداشت کرنا. حسن کی آواز آئی, بابا سامنے وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میری ماں گمارا ہے, بابا میں دیکھ رہا تھا, بابا اس کے ہاتھ میں تازیہ نہ تھا, بابا میری ماں دروازے کے نیچے تھی, بابا اس نے میری. میں ممبر سے دعا کروں آمین ضرور کہنا. میرا اللہ, اولاد چھوٹی ہو, اولاد چھوٹی ہو, بابا جی ماں مر جائے, باپ سے بچے پالے نہیں جاتے, باپ مر جائے تو ماں اولاد پال لیتی ہے, ماں مر جائے باپ سے نہیں پالی جاتی. اولاد چھوٹی ہو نا پھر بہنیں آ جاتی, بھائی آ جاتے, کوئی کہتا یہ بچہ مجھے دے دے, کوئی کہتا یہ بیٹی مجھے دے دے. غربت سناؤں تمہیں, علی کی زہرا کو دفنانے کے ساتویں دن علی قبر رسول پہ گئے, علی نے جا کے اپنا ماما اتارا, چیخے مار مار کے رویا علی, رو کے کہا تیرا دین بچاتے بچاتے میرا دروازہ جل گیا ہے, تو جو کہتا رہا ویسے علی کرتا رہا, میں نے زندگی میں اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی, تیرا دین بچاتے بچاتے دیکھ علی اتنا غریب ہو گیا, مجھے صرف اتنا بتا میں بیٹے چپ کرواؤں یا بیٹیاں چپ کراؤں. مسجد میں آؤں میرا حسین روتا ہے, حجرے میں آؤں میری زینب روتی ہے. یا رسول اللہ میری اولاد کے سوال مجھے چپ نہیں رہنے دیتے, میری اولاد میرے قریب بیٹھ کے پوچھتی ہیں بابا انہوں نے ہماری ماں کو کیوں مارا ہے, بابا ہماری ماں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی. آخری روایت کا ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں, جو آنکھیں ابھی تک پرنم نہیں ہو سکی گریے کی تیاری کرنا. جب دفنا کے آگئے نا علی زہرا کو, علی گھر آئے تہجد کے وقت, علی نے مصلی بچھایا, اسے کہتے ہیں امیر المومنین. علی نے جلے ہوئے دروازے والے گھر میں علی نے مصلی بچھایا, علی نماز شروع کرنے لگا, فضا کی آواز ہے یا علی گزر گئے, علی کی آواز ہے, فضا زہرا کی شہادت سے بڑا کون سا غم ہے, بی بی فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز نہ پڑھ, یا علی چراغ روشن کر, علی نے چراغ روشن کیا, فضا کی آواز ہے وہ مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے, وہ ریت پہ تیری کلثوم سو رہی ہے, وہ دروازے پہ تیرا حسن سو رہا ہے, یا علی تیری غربت کی قسم ہے میں نے پورا گھر چھان مارا, مجھے حسین نہیں مل رہا, مجھے حسین نظر نہیں آ رہا, اب وہ بندہ پتھر کا بنا ہے جو ماتم نہ کر سکے. علی نے چراغ ہاتھ میں رکھا, علی کا ماما ادھر گیا, علی مدینے کی گلیوں میں آیا, حسین 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 بابا ڈھونڈ رہا ہے. علی جنت البقیع میں پہنچے, علی کو زہرا کی شہادت بھول گئی, حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا, اما مجھے نیند نہیں آ رہی, اما گھر آ جا, اما تیری زینب ڈر گئی, اما تیری بیٹیاں ماتم حسین.